जीपी रेटिंग मैरिन इंजीनियरिंग नॉलेज चैप्टर 1 फेमिलाइजेशन विद ड्यूटीज एंड इंजन रूम एनवायरमेंट ड्यूटीज ऑफ इंजन क्रू असिस्ट शिप इंजीनियर ऑफिसर्स इन परफॉर्मिंग रूटीन मेंटेनेंस वर्क एंड रिपेयर टू शिप्स इंजन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो सारे काम देखते हैं कि क्या क्या मेंटेनेंस होना चाहिए शिप कैसे इंजन कैसे चले मशीनरी कैसे चले वो असिस्ट करते हैं सारे क्रू को कि कैसे चलाना है लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एज इंस्ट्रक्टेड जो भी इंजन के पार्ट्स हैं मशीनरीज हैं उसको प्रॉपर लुब्रिकेट करना चाहिए वो भी वो देखते हैं ऑपरेट एंड मेंटेन पंप्स एंड वेल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ शिप इंजीनियर्स शिप इंजीनियर ये बताते हैं कैसे हम लोग को पंप्स वाल्व सब ऑपरेट करना होता है क्लीन इंजन पार्ट्स एंड इंजन रूम प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए साफ सफाई इंजन रूम हो या इंजन के पार्ट्स हो या इंजन हो लुक आफ्टर ईआर स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो भी इंजन रूम के पास हम लोग का स्टोर्स है या स्पेयर्स है हम लोग को उसको अच्छे से रखना चाहिए पेंट इंजन रूम इंजन रूम को प्रॉपरली क्लीन और पेंट करना चाहिए असिस्ट वॉच कीपिंग इन द इंजन रूम इंजन रूम में वॉच कीपिंग के टाइम भी हम लोग का इंजीनियर हम लोग को असिस्ट करता है मॉनिटर इंजन मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंडिकेटर्स एंड रिपोर्ट अबनॉर्मलिटीज टू शिप इंजीनियर ऑफिसर ऑन वॉच पूरा देखने के बाद इंजन मशीन इक्विपमेंट्स अगर कुछ भी इधर उधर का साउंड स्मेल आता है तो हम लोग तुरंत ही इंजीनियर को बताना चाहिए इंजन रूम मशीनरी स्टेट मेजर आइटम्स ऑफ मशीनरी एंड देयर प्रोसेस मेन इंजन शाफ्टिंग ऑक्सिलरी इंजन ऑक्सिलरीज बॉयलर्स हम लोग का कुछ मेजर मशीनरी है जो हम लोग यूशिप पे यूज करते हैं जिसका नाम है मेन इंजन शाफ्टिंग ऑक्सिलरी इंजन और ऑक्सिलरीज और बॉयलर्स डेक मशीनरी इज आउटसाइड द इंजन रूम बट गेट्स द पावर सप्लाई फ्रॉम द इंजन रूम सिमिलरली पावर सप्लाई फॉर द होल शिप इज प्रोड्यूस्ड इन द इंजन रूम डेक में हम लोग के जो भी मशीनरीज हैं वो हम लोग इंजन रूम से ही उनको पावर मिलती है जो भी पावर प्रोड्यूस होता है पूरे शिप में जो जहाँ भी चाहिए होता है वो इंजन रूम से ही मिलता है वर्ड मशीनरी कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर और अ प्लूरल एप्लीकेशन मशीनरी स्पेस अ स्पेस और अ कंपार्टमेंट कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ मशीनरी जो मशीनरी स्पेस है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग की सारी मशीनरी रखे जाते हैं सम मशीनरी स्पेसेस हैव स्पेसिफिक नेम्स एग्जाम्पल इंजन रूम बॉयलर रूम प्यूरिफायर रूम पंप रूम बैटरी रूम स्टेयरिंग फ्लैट कार्गो मशीनरी यूनिट्स एक्सेट्रा हम लोग के कुछ ऐसे मशीन हैं जिनके लिए सेपरेट रूम्स भी बनाया गया है जैसे कि बॉयलर रूम प्यूरिफायर रूम पंप रूम बैटरी रूम स्टीयरिंग फ्लैट कार्गो मशीनरी यूनिट्स इन लोग के लिए सेपरेट रूम बनाया गया है पूरा मशीनरी को रखने और ऑपरेट करने के लिए सम ऑफ द मशीनरी स्पेसेस हैव एक्सटेंशंस फॉर रिमोट ऑपरेशंस एग्जांपल कार्गो कंट्रोल रूम इंजन कंट्रोल रूम एक्सेट्रा रिमोट ऑपरेशन के लिए भी हम लोग कुछ एक्सटेंशन रूम बनाए हैं जिसको हम लोग कार्गो कंट्रोल रूम या इंजन कंट्रोल रूम या कुछ अलग भी बोलते हैं मशीनरी आइटम can be used for one machinery component or an assembly example pump valve etc or a group of items forming a complete unit example main engine boiler alternative engine etc मशीन आइटम वो होता है जो एक एक कंपोनेंट्स को बोला जाता है जैसे कि पंप वाल्व एक्सेट्रा को और अगर ग्रुप को हम लोग यूनिट बोलते हैं जिसमें मेन इंजन बॉयलर अल्टरनेटिव इंजन एक्सेट्रा आता है सिस्टम अ ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ द शिप और अदर मशीनरी एग्जाम्पल लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम कूलिंग वाटर सिस्टम ब्लेक एंड बला सिस्टम एक्सेट्रा एक पूरा कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पूरा मशीनरी जो एक जगह पे रखते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं जैसे कि कूलिंग वाटर सिस्टम ब्लेज ब्लास्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम पूरा ऑपरेशन जहाँ पे लेता है उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं प्रोपल्शन मशीनरी आइटम्स मेंट फॉर मूविंग द शिप मेन इंजन शाफ्टिंग एंड प्रोपेलर प्रोपल्शन मशीनरी वो होता है जो शिप को आगे बढ़ने के लिए या फिर मूव करने के लिए यूज होता है मेन इंजन कंप्लीट यूनिट मेंट फॉर प्रोवाइडिंग पावर फॉर प्रोपल्शन ऑफ द शिप मेन इंजन वो होता है जो पूरा पावर प्रोवाइड करता है ताकि शिप आगे बढ़ सके जनरेटर्स इंजन एंड ऑल्टरनेटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फॉर ऑल द पर्पस जनरेटर्स एक अल्टरनेटिव पावर जनरेटर होते हैं जो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी पर्पस बनाने के लिए सारे पर्पस उससे हम कर सकते हैं ऑक्सिलरी मशीनरी सपोर्ट अदर मशीनरी और सिस्टम एग्जाम्पल बॉयलर्स एयर कंप्रेसर्स डिस्टिलर्स एक्सेट्रा ऑक्सिलरी मशीन हम लोग का सपोर्ट मशीन है जो मेन इंजन को सपोर्ट देता है जैसे कि बॉयलर्स हो गया एयर कंप्रेसर डिस्टिलर्स एक्सेट्रा वो एक मेन इंजन को सपोर्ट देता है द साइज ऑफ द इंजन रूम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द शिप टाइप ऑफ द शिप एंड स्पीड ऑफ द शिप सिमिलरली साइज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी आइटम्स चेंजेस विद द साइज ऑफ द पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द शिप जो साइज होता है इंजन रूम का वो डिपेंड करता है शिप का साइज कैसा है कितने सारी मशीन्स हैं कितना हमको स्पेस चाहिए वो इसी में ही डिपेंड होता है